पता क्या, एक सच एक बात बताओ, सच्ची घटना बताता हूँ, अगर मानो तो सही है, सच बात बताता हूँ। एक इंसान था, उसके घर में डेली क्लॉक नहीं चल रहा था, सच्ची बात बता रहा हूँ, क्लॉक नहीं चल रहा था। समझ लो कि वो हमारे दूर के रिश्तेदार थे, वो कह रहा था भैया मैं बड़ा दुखी चल रहा हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। हमने बोला क्या हुआ, किस बात की चिंता, कह रहा भैया मेरे घर से परेशानियां जा ही नहीं रही। हमने कहा ऐसा क्यों, कह रहा यही तो मुझे पता नहीं, इसलिए तो आपसे पूछने आए। कहते हैं कि शाम प्रेमी बड़े खुश रहते हैं। मैंने कहा हाँ ये तो बात सच है, शाम प्रेमी बड़े खुश रहते हैं, चाहे कुछ हो ना हो पर वो एक बात जरूर बोलते हैं, हम तो मौज में हैं, बोलते हैं ना, हम तो मौज में हैं। वो बात बोलते ही बोलते हैं, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, वो एक बार बोलते हैं भाई हम तो मौज में हैं। तो कह रहा कि मैं तेरे पास यही रीजन पूछने आऊं, तेरे पास ऐसी खुशी आती कहाँ। तो सबसे पहले उसने एक ये बात पूरी, ये बात बता तेरे माँ बाप कहाँ रहते हैं। कह रहा मेरे माँ बाप गाँव में रहते हैं। सीधा अच्छा, कह रहा तू कहाँ रहता है। कह रहा मैंने ये शहर में घर बनाया अपना, मैं वहां पे रहता हूँ। तू कहता तूने अपने माँ बाप को गाँव में क्यों रखा, अपने पास क्यों नहीं रखा। उसने ये बात बोली, समझ लो मैं हमने ही बोली। तो हमने पूछा तुमने अपने माँ बाप को गाँव में क्यों छोड़ा हुआ। कह रहा मेरे वाइफ से नहीं बनती, सास ससुर की बहू से नहीं बनती। हमने कहा अच्छा, तो माँ बाप को सास बहू की वजह से हमने घर से निकाल दिया। कह रहा एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी, कभी सास की बहू से लड़ाई, कभी कुछ छोटे मोटे हो रहे थे, तो मेरी वाइफ ने कहा इसको छोड़ाओ, मुझसे नहीं जला जाता, मुझसे सेवा नहीं होती। तो बेटे ने क्या किया, अपनी वाइफ के पीछे लग के अपनी माँ बाप को छोड़ाया। तो जब हमने कहा कि चल एक बार अपने माँ बाप का घर दिखा के ला, हम चले गए उसके साथ। जब जाकर देखा तो गांव में उसके माँ बाप दुखी हारे बेचारे कोने में बैठा है, और रोटी भी खुद पका रहे, जिनके पास चला नहीं जा रहा वो रोटी भी खुद पका रहे, और पंखा भी नहीं चला, हवा भी नहीं आ रही, गर्मी में झुलस रहे थे। तो उनकी ऐसी हालत देखकर हम भी काम गए, और अपने घर में उन्होंने शहर में एसी लगवाया हुआ। तो हमने कहा आप तो खुद सुखी में है, खुशी में है, और उनको तूने दुख दिया, दुनिया का सुख मान रहा है, कैसे मिलेगा तुझे सुख। जा एक काम कर, उनको गांव से अपने घर ले आ, चाहे बने ना बने, बहू को कर तू थोड़ा सा एडजस्ट बन के, थोड़ा सा मम्मी पापा करेंगे, थोड़ा सा तेरी वाइफ करेगी, पर माँ बाप को घर में लेके आ। वो माँ बाप को घर में लेके आया, पता क्या होता है, एक माँ चार बेटों को पाल लेती है, पर चार बेटों से एक माँ नहीं पलती। सही बात है, ये बात सच है। एक माँ चाहे चार बच्चे हो चाहे पांच हो, वो अकेली पाल लेती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सभी से एक जैसा प्यार करती है, पर चार पांच बेटों से एक माँ बाप ना पले तो ऐसी बच्चों पे तो लाना चाहिए। और हर ग्यारस में खाटू जाने से कोई फायदा नहीं है, हर मंदिर में जाने में कोई फायदा नहीं है, सिर गड़ने से कोई फायदा नहीं, अगर अपने माँ बाप की पूजा नहीं की आपने। हाँ माँ बाप, अगर अपने माँ बाप की पूजा नहीं ना करोगे, उनका आशीर्वाद नहीं लोगे, तो ये आपके साथ नहीं आएगा, ये कहाँ से आपके सुन लेगा। अगर अपने माँ बाप को ठोकर मार के इसको मनाने जा रहे हो, कभी भी नहीं, ये दुनिया का बाप है, इसके माँ बाप ऐसे नहीं अपने माँ बाप को धोखा दे रहे इसको मना रहे, बाबा मेरी सुन नहीं रहा, पहले अपने माँ बाप को घर पे लेके आओ, देखो कैसी बातें बनती है। माँ बाप के लिए ताली बजाओ, बोलो खाटू नरेश की। और उसके बाद वो अपने घर पे लेके आए, उसके जो अड़े काम थे, जो जमीनें अड़ी थी, जो काम रुके पड़े थे, जो कला कलेश थे, उसके माँ बाप के घर में आने के बाद वो इतना खुशहाल हो गया कि वो अब हर ग्यारस खाटू जाता, पूरी फैमिली को ले जाता है, पूरी गाड़ी भर के लेके जाता है। बोलो खाटू नरेश की। इसलिए